यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ के जो सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है, घर घर एलईडी बल्ब बांटने वाली योजना का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दिवाली के अवसर पर अहिर कौन सा नृत्य करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आंखों से दूर करना मुहावरा का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन है, हमारा गगन का पर्यायवाची नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो था रसाल। अगला क्वेश्चन है, हमारा भाग दो का संबंध किससे है? ये हमारा संविधान से क्वेश्चन आया है, जिसमें भाग वन या 2, 3, 5 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? अगला क्वेश्चन है, अकेले अकेले रचना की क्या विधा है? अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, चा वर्ग का उच्चारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कौन सी अस्थाई मेमोरी है? इसका आंसर है रोम। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, स्थाई मेमोरी किसे कहते हैं? उसको रैम को कहते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में भी कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम राजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रात्रि का तद्भव क्या है? ये हिंदी से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दखल देना का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वह धीरे धीरे चल रहा है में क्रिया विशेषण क्या है? वह धीरे धीरे चल रहा है में जो संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया विशेषण होता है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बना पहला कंप्यूटर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का आकार चंद्रमा के आकार से कितना प्रतिशत है? इसके बाद है हमारा, SC/ST का संबंध किस अनुसूची से है? अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के आकांक्षी योजना में यूपी के कितने जिले शामिल है? इसका आंसर है 12 जिले। नीति आयोग की आकांक्षी योजना में यूपी के 12 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ध कुंभ मेला किस साल में मनाया जा रहा है? इसका आंसर है 2019। अर्ध कुंभ मेला जो है वो 2019 में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं कहानी उपन्यास है उनका, जो उनके द्वारा रचित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज जो हमारा UP SSC वीडियो का एग्जाम था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो कि आज हम देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो मुगल का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इथोपिया की राजधानी बताइए। इसका आंसर है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान की राजधानी बताइए। इसका आंसर है काबुल। काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्की की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है लीना। लीना जो है वो टर्की की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर? इसका आंसर है जीवी मावलंकार। जीवी मावलंकार जो है वो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शक्ति योजना कहाँ की है? इसका आंसर है गुजरात की है। सूर्य शक्ति योजना जो है वो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा का राज्य फल क्या है? इसका आंसर है अन्नानास। अन्नानास जो है वो त्रिपुरा का राज्य फल है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया की रैंक क्या है? इसका आंसर है 130वीं रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इंडिया की रैंक है वो 130वीं है, 30वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? इसका आंसर है रमन सिंह। रमन सिंह फ्रेंड्स ये हमारे ऑप्शन में आया था, ये पहले हो सकते हैं 12 तारीख से पहले के, तो रमन सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा का कैपिटल क्या है? इसका आंसर है कंपाला। कंपाला जो है वो युगांडा का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है चंद्रभूषण पनिवाल। चंद्रभूषण पनिवाल जो है वो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सबसे कम बारिश यूपी में कहाँ होती है? इसका आंसर है मथुरा में। मथुरा में जो है वो सबसे कम बारिश यूपी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा खरीफ की फसल किस महीने में होती है? इसका आंसर है जुलाई से अक्टूबर महीने। जुलाई से अक्टूबर महीने में जो खरीफ की फसल होती है इसी महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है यूपी। यूपी राज्य जो है वो सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जो है वो इंडिया के 14वें जो है वो प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा भोजन योजना कहाँ की है? इसका आंसर है राजस्थान की। अन्नपूर्णा योजना जो है वो राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ओजोन लेयर की खोज किसने की? इसका आंसर है कैबरी चार्ल्स ने। कैबरी चार्ल्स ने ओजोन लेयर की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आलू उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है पहला स्थान है। आलू उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मयूर सिंहासन किसने बनाया था? इसका आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा वर्तमान समय में भारत की कौन सी लोकसभा है? इसका आंसर है 16वीं। वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो लोकसभा है वो 16वीं है। अगला क्वेश्चन है, हमारा वेंकैया नायडू भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है 13वें। वेंकैया नायडू जो है वो इंडिया के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? इसका आंसर है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, बाहर रिजर्व दिवस यानी बाघ रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? बाघ रिजर्व दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केग ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो है वो केग ऑफ इंडिया हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं? इसका आंसर है 1924वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी कांग्रेस के। ये बेलगांव के थे, बेलगांव में जो ये अधिवेशन था जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरहा दरगाह कहाँ पर है? इसका इस क्वेश्चन का आंसर है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में जो है वो किशोरहा दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर प्लीज फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लठमार होली कहाँ होती है? इसका आंसर है बरसाना में। बरसाना में लठमार होली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है 123वें अनुच्छेद में। 123वें अनुच्छेद में जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर है 12। 12 जो है वो हमारे राज्यसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर प्लीज फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा सूरदास। सूर सागर बुक जो है किताब के रचयिता जो है वो सूरदास होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर प्लीज फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप लोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया है वो है, स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया है, तो इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है तुर्किश लीटा। तुर्किश लीटा जो है वो तुर्की की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? इसका आंसर कामायनी। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर है काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रॉट रंजन। रॉट रंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? इसका आंसर है मुंबई से थाने तक। भारत की जो पहली रेल थी वो मुंबई से थाने तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर है हृदय से। पेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। फ्रेंड्स हमें इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? सेकंड है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? थर्ड है, स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? फोर्थ है, लाल किला किसने बनवाया था? एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? सिक्स क्वेश्चन है, का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, यूपी का सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज गुरुजी एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड सिक्स क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछे उनके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम था उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो कि आज हम देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो मुगल का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इथोपिया की राजधानी बताइए। इसका आंसर है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान की राजधानी बताइए। इसका आंसर है काबुल। काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्की की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है लीना। लीना जो है वो टर्की की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर। इसका आंसर है जीवी मावलंकार। जीवी मावलंकार जो है वो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शक्ति योजना कहाँ की है? इसका आंसर है गुजरात की है। सूर्य शक्ति योजना जो है वो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा का राज्य फल क्या है? इसका आंसर है अन्नानास। अन्नानास जो है वो त्रिपुरा का राज्य फल है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया की रैंक क्या है? इसका आंसर है 130वीं रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इंडिया की रैंक है वो 130वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? इसका आंसर है रमन सिंह। रमन सिंह फ्रेंड्स ये हमारे ऑप्शन में आया था, ये पहले हो सकते हैं 12 तारीख से पहले के, तो रमन सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा का कैपिटल क्या है? इसका आंसर है कंपाला। कंपाला जो है वो युगांडा का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है चंद्रभूषण पनिवाल। चंद्रभूषण पनिवाल जो है वो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम बारिश यूपी में कहाँ होती है? इसका आंसर है मथुरा में। मथुरा में जो है वो सबसे कम बारिश यूपी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की फसल किस महीने में होती है? इसका आंसर है जुलाई से अक्टूबर महीने। जुलाई से अक्टूबर महीने में जो खरीफ की फसल होती है इसी महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है यूपी। यूपी राज्य जो है वो सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जो है वो इंडिया के 14वें जो है वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा भोजन योजना कहाँ की है? इसका आंसर है राजस्थान की। अन्नपूर्णा योजना जो है वो राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ओजोन लेयर की खोज किसने की? इसका आंसर है कैबरी चार्ल्स ने। कैबरी चार्ल्स ने ओजोन लेयर की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है पहला स्थान है। आलू उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? इसका आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत की कौन सी लोकसभा है? इसका आंसर है 16वीं। वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो लोकसभा है वो 16वीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेंकैया नायडू भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है 13वें। वेंकैया नायडू जो है वो इंडिया के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? इसका आंसर है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, बाघ रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? बाघ रिजर्व दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केग ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो है वो केग ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं? इसका आंसर है 1924वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी कांग्रेस के। ये बेलगांव के थे, बेलगांव में जो ये अधिवेशन था जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरहा दरगाह कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में जो है वो किशोरहा दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर प्लीज फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लठमार होली कहाँ होती है? इसका आंसर है बरसाना में। बरसाना में लठमार होली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है 123वें अनुच्छेद में। 123वें अनुच्छेद में जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर है 12। 12 जो है वो हमारे राज्यसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर प्लीज फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा सूरदास। सूर सागर बुक जो है किताब के रचयिता जो है वो सूरदास होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर प्लीज फ्रेंड्स हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आप लोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया है वो है, स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आया है तो इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है तुर्किस लीटा। तुर्किस लीटा जो है वो तुर्की की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? इसका आंसर कामायनी।
कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर है काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रॉट रंजन। रॉट रंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? इसका आंसर है मुंबई से थाने तक। भारत की जो पहली रेल थी वो मुंबई से थाने तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर है हृदय से। पेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। फ्रेंड्स, हमें इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? सेकंड है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? थर्ड है, स्थाई मेमोरी किसे कहते हैं? फोर्थ है, लाल किला किसने बनवाया था? एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, उर्वशी पुस्तक का लेखक कौन है? सिक्स क्वेश्चन है, का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यूपी का सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज गुरुजी एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड सिक्स क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछे उनके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।